ఏం పేరమ్మా ఒలివియా ఒలివియా అయ్యా ఏంటమ్మా ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చారు అపోన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఐ ఫీల్ ఆఫ్ మీరే పాస్ డెంగ్యూ అండ్ టైఫాయిడ్ అచ్చా డెంగ్యూ అండ్ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ హన ठीक है तो मतलब कैसे आना हुआ मतलब ये जर्गिन थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री बताइए आप फर्स्ट फीवर వచ్చింది फीवर తో పాటు వామిటింగ్ అయ్యింది अच्छा తర్వాత హాస్పిటల్ కి అడ్మిట్ ఐ మీన్ డిహైడ్రేషన్ అనుకొని సెలైన్ పెట్టారు వామిటింగ్స్ మాత్రం అవుతనే ఉన్నాయి ఆగలేదు ఏం తిన్నా సరే వెంటనే వామిటింగ్ అయిపోయింది టైఫాయిడ్ టెస్ట్ చేస్తే టైఫాయిడ్ పాజిటివ్ వచ్చింది యాంటీబయాటిక్స్ ఇంజెక్షన్స్ అవన్నీ వేశారు కానీ వామిటింగ్స్ తగ్గలేదు తర్వాత డెంగ్యూ టెస్ట్ చేస్తే డెంగ్యూ పాజిటివ్ వచ్చింది అప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చాను आप जब आए थे आप मेरे पास नहीं नहीं जब आपको फीवर था तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे ना आपका प्लेटलेट काउंट उस समय इतना था 2,96,000 है ना इतना आपका प्लेटलेट काउंट ड्यूरिंग एडमिशन फिर आपका ट्रीटमेंट चला है ना एंड वक्रोज अंत उंडा रहा पूरा एक दिन थे वहां पर है आपको ड्रिप्स लगाया सब कुछ एंटीबायोटिक वगैरह सब ट्रीटमेंट चला लेकिन जो भी एंटीबायोटिक वगैरह जो भी लेते थे आपको वॉमिटिंग हो जाता था इमीडिएटली आप कुछ खा भी नहीं पाते थे ऐसा एकदम ड्रास्टिक कंडीशन था आपका है ना तो आपको वहां पर जब टेस्ट कराया गया आपका टाइफाइड निकला है ना ये आपका टाइफाइड 1:80 ठीक है ना राइट फिर आपने डेंगू टेस्ट भी करवाए थे उसी समय आपका पॉजिटिव आया लेकिन इम्पोर्टेंट ये था कि आफ्टर एडमिशन ऑल्सो आपको ड्रिप्स चढ़ाने के बावजूद भी आप इतना वीक हो गए थे आपको एकदम वॉमिटिंग कहने के मतलब आप कुछ भी ले ही नहीं पाते थे आप है ना इमीडिएटली आपको वॉमिटिंग तब क्या हुआ आप रेंज जाएंगे और इमीडिएटली मतलब आपके पापा कहे कि मुझे डिस्चार्ज होना है मेरे बेटे को डिस्चार्ज करवाना है डेली कॉस्ट मुझे होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेना है मीनानगर मतलब थोड़ा जिद करके वहाँ से आए एंटीबायोटिक्स बॉडी की पड़ लेदो होम्योपैथी अच्छा आपको एंटीबायोटिक्स नहीं पड़ रहा है इसलिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में करवाने तो मुझे ये बताइए वो डॉक्टर एग्री हो गए थे क्या उस मोमेंट पे लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो डॉक्टर एग्री हो गए थे आपको नहीं ठीक है जितना जल्दी हो सकती है आप सीधा ले जाइए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तब आप उस दिन रात को मेरे पास आए थे है ना ठीक है आप जब मेरे पास आए थे आपका प्लेटलेट काउंट वो एक दिन बाद जब आप मेरे पास आए थे तो ये था आपका 1,00,000 पे गिर गया था आपका है ना अंटे 1,90,000 पहले कितना था आपका 2,96,000 था 1,90,000 चाहे 1,00,000 आपका गिर गया था जब आप मेरे पास आए थे मैंने आपको ट्रीटमेंट देना चालू किया मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया मेरे ट्रीटमेंट देने के बाद आपको क्या इम्प्रूवमेंट मिला मुझे बताइए दूसरे फीवर ठीक हो गया फिर दूसरा वॉमिटिंग तक गया वॉमिटिंग भी रुका जो वॉमिटिंग एकदम होता था वो आपको रुकना बंद हो गया है ना रुक गया स्टार्ट किया अच्छा फूड आपका इनटेक हल्का हल्का उतना ज्यादा इनटेक नहीं ले पाते थे आप लिक्विड डाइट में थे एटलीस्ट लिक्विड डाइट आपका हो गया था चालू हो गया था ठीक है लेकिन जब एक जस्ट आफ्टर वन डे आपको मैंने कहा था कि प्लेटलेट काउंट एक बार टेस्ट कराइए आपका प्लेटलेट काउंट 1,90,000 से लेकर ये कैसे रिपोर्ट में 1.33 हल्का सा डिक्रीज हुआ है जी आपका 60,000 वैसे डिक्रीज हो गया था आपका प्लेटलेट फिर भी बट इतना स्टिल आपका डिक्रीज होने के बावजूद नो एंटीबायोटिक नथिंग नो फीवर नो एंटीबायोटिक नथिंग ठीक है लेकिन आपका वॉमिटिंग रुक गया ठीक है सब कुछ ठीक है लेकिन प्लेटलेट काउंट आपका डिक्रीज हुआ ठीक है फिर जस्ट दूसरे दिन और एक बार कराया अपने प्लेटलेट है ना कहाँ था वो ये कर आपका प्लेटलेट 1.30 से लेकर फिर और डिक्रीज हो गया 0.99 कहने का मतलब 99,000 पे आप आ गए है ना इस मोमेंट में थोड़ा आपके फादर घबरा गए थे लेकिन फिर भी आपके फादर को मैंने पूछा कि क्यों अभी कैसा तो बोले कि मेरी बेटी ठीक है अंटे इन एवरी वे शी इज ओके अभी खा रही है सब कुछ कर रही है लेकिन प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हुआ लेकिन आपका डब्ल्यूबीसी काउंट आपका बढ़ रहा था पहले तो वो भी डिक्रीज था लेकिन अभी ये बढ़ रहा था ठीक है फिर अचानक क्या हुआ जस्ट आप नेक्स्ट मैंने कहा कि इतना जल्दी आप प्लेटलेट टेस्ट मत कराओ दो दिन रुको दो दिन बाद आपने प्लेटलेट टेस्ट उसका करवाया एकदम सा 1.89 इंक्रीज हो गया ठीक है फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था उस दिन से अभी सब ठीक चल रहा है ठीक है ना ओके राइट नाउ इन एवरी वे यू आर ओके ओलिविया ओके जी अब
अभी आपको विश्वास तो होंगे ना, आपके फादर को तो बहुत विश्वास था। ओके।